बेकसूरों को नहीं कसूरवारों को मिलेगी सजा, ट्रैफिक नियमों को सुधारेंगे और यहां की कानून व्यवस्था को पटरी में लाने का काम करेंगे, ये कहा नए नवेले पुलिस अधीक्षक ने। पुलिस अधीक्षक से खास बातचीत की हमारे न्यूज एडिटर जावेद अंसारी ने। आज मुलाकात एक ऐसे शख्स से जिनके पास पूरे रीवा जिले की कमान है कानून व्यवस्था को लेकर। रीवा आपके लिए बहुत अनजान सा नहीं है, आप निकट भविष्य में सीधी में पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। संभागीय मुख्यालय होने की वजह से रीवा में उनका आना जाना आपका रहता था। सबसे पहले रीवा दर्शन की तरफ से रीवा आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीवा में आपको लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं, यहाँ पर आपको क्या कठिनाइयाँ दिख रही हैं अभी तक? देखिए, एक तो ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिससे हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, और साथ में एक नशे की समस्या है जिसको लेकर के हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि नई जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो काफ़ी नशा करती है और नशे के कारण ही अपराधों का भी एक यहाँ पे नेटवर्क सा बना हुआ है। तो ये दो जो विषय हैं ये हम लोग को प्रथम दृष्टया बहुत चिंतित कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक की काफ़ी समस्याएं हैं, आपने कुछ ऐसा प्लान अपने अधिकारियों को किया है जिससे कि ट्रैफिक की व्यवस्था पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके? हाँ, ट्रैफिक को लेकर के हम लोग ने प्लान बनाया है। एक तो कुछ पार्किंग एरियाज को आइडेंटिफाई करने का हम लोग ने प्रयास किया है कि यहाँ पे गाड़ियों को, जो अपनी ऑटो हैं या और भी कई बसेस जो चल रही हैं, उनको कहाँ पे खड़े किए जा सके, क्योंकि एक बहुत मेजर जो प्रॉब्लम दिख रही है वो ये दिख रही है कि कहीं पे भी गाड़ी पार्क हो जा रही है, कहीं से भी लोगों को, पैसेंजर्स को बैठा लिया जा रहा है रुक करके, जिसकी वजह से जाम की स्थिति बन रही है। साथ ही में एक जो बड़ा प्रॉब्लम रीवा शहर का ये भी है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में ऑटो चल रहे हैं, तो उसको भी किस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा कम कर सकेंगे, इस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रीवा शहर में पॉलिटिकल रूप से काफ़ी यहाँ पर काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसी भी अधिकारी को, तो जब से आप रीवा आए तो क्या इस तरीके की आपको भी कोई समस्या का सामना करना पड़ा? देखिए, जब से मैं रीवा में आया ही नहीं हूँ, जब से मैं पुलिस सेवा में आया हूँ, तब से ही मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। संभवतः इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि लोग जानते हैं कि स्पष्ट और सीधी, स्पष्ट और जो नियम के अनुरूप कार्रवाई है वो करने का मेरा दृढ़ संकल्प है, और इस वजह से मुझे कोई भी बहुत ज़्यादा किसी विषय पर वो नहीं करता। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये भी एक मिथ्या भाव है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या पॉलिटिकल जो लोग हैं वो हमेशा जो है वो परेशान करने का उद्देश्य उनका होता है, ये भी बहुत गलत एक धारणा है लोगों के मन में। बहुत बार उनसे अच्छी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कई बार जो जनता के मन की बात होती है वो भी उनसे मिलती हैं, और सिर्फ वो अधिकारियों को परेशान करते हैं ऐसी भावना रखना भी गलत है। आप प्रशासनिक सर्जरी भी करने जा रहे हैं, अपने कर्मचारियों को इधर से उधर करेंगे, तो उस पर किन किन खास बातों का ख्याल रखा जाएगा? देखिए, किसी भी विभाग में जो एफिशिएंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किस प्रकार से काम होना चाहिए, गुणवत्ता काम की क्या है, पुलिस के लिए खास तौर से अपराध नियंत्रण होना चाहिए, किस प्रकार से जो क्षेत्र में आपको एक लोगों के बीच में सुरक्षा का भाव पैदा करना चाहिए और ऐसी आपकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए कि लोग ये कहें कि साहब ये निष्पक्ष नहीं है या ये करप्ट हैं, ये सब जो चीज़ें हैं इनका हम लोग ध्यान रखते हैं। अभी आप परसों सड़क पर, रीवा की सड़कों पर दिखाई दिए, रीवा की सड़कों पर जब आप पहुंचे तो आपको कैसा लगा कि किस तरीके से अपराध पर यहाँ पर नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए, सड़क में बेसिकली जाने का पर्पस सिर्फ मात्र ये था कि जो लोग रहते हैं, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आ रही है ऐसा देखने में यहाँ पे मेरे को मिला कि शाम के समय में शहर में कहीं भी आप जाइए तो पुलिस का प्रेजेंस कम दिखता है, तो एक प्रेजेंस को बढ़ाने का पर्पस है। प्रेजेंस को बढ़ाने का मतलब ये कि पुलिस दिखाई पड़ती जब है तो उसके कई फायदे होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर एक इस बात का एहसास होता है कि वो सुरक्षित हैं, जो बदमाश हैं या असामाजिक तत्व हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ रहना ठीक नहीं है, कहीं और चलते हैं। तो हम लोग बेसिकली ये चाहते हैं कि रीवा से लोग बाहर हो जाएं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, और जो आम जनता है जो वो अपने अंदर एक साहस का, संबल का एहसास कर सके, ये हमारा प्रयास है। रीवा की जनता को आप क्या संदेश देंगे, किस तरीके से आप यहाँ पर कानून में सख्ती दिखे, लोगों को एक राहत महसूस हो?
देखिए, मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि पुलिस को भले ही उसका एक दायित्व है कानून व्यवस्था को संभालने का और अपराध को नियंत्रण करने का, लेकिन बिना जनता के सहयोग के ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जनता बहुत अधिक है और हमारे पास बल हमेशा कम रहता है। इसलिए जो है ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि जनता हम लोगों की मदद करे, हमें सूचना दे असाधित तत्वों के बारे में, अपराध के बारे में, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में, और हमेशा पुलिस का सहयोग करे, पुलिस के ऊपर आशंकित ना हो। जैसा बहुत बार ये अभी देख रहा हूँ कि हर एक छोटी छोटी बात पे भी लोग जाम लगा रहे हैं और ऐसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। मेरा उनसे ये भी निवेदन रहेगा कि हम लोग पे विश्वास रखें, हम लोग निष्पक्ष और बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करेंगे और किसी को ऐसा मौका नहीं आने देंगे कि कभी उनको लगे कि कुछ गलत हो रहा है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, जनता पुलिस का सहयोग करे। अगर जनता पुलिस का सहयोग करेगी तो पुलिस भी जनता की मदद करेगी, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा। ये थे हमारे साथ रीवा एसपी आबिद खान जी। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।